हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने आया हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है टर्नो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स आई। सबसे पहला अपडेट जो मेल आई थी हम लोग को यूनिवर्सिटी के द्वारा डीन ऑफिस की तरफ से एक रिटर्न पेड पर आई थी, उस पर बोला गया था क्या कि जो टर्नो में है वो अपना जो हमारी यूनिवर्सिटी है क्या कि अभी एग्ज़ाम चल रही थी कुछ दिन पहले, तो वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई उसने, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, हम लोग को थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में प्रमोट कर दिया गया, जो सेकेंड ईयर में होंगे उसको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था, तो ये सारे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया। उसके बाद ये मेल आई है क्या कि जो यूनिवर्सिटी है पढ़ाई बंद नहीं करने वाली है, पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी, पढ़ाई में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगे, वॉर की वजह से कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहला बात यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है। और दूसरी बात बोला गया है क्या कि जैसे बच्चे पर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड चूज़ करना है कि क्या चूज़ करना है, नहीं चूज़ करना है, और जो भी मतलब पहले जैसा पढ़ाई चला जा रहा था उससे ज़्यादा हाईटेक करने वाली अगर ऑनलाइन होगा, बच्चे को अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो पूरा हाईटेक किया जाएगा। हाईटेक कैसे किया जाएगा कि जो जर्मनी और इटली फ्रांस वगैरह में जो चलता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो चलती है पढ़ाई की स्टैंडर्ड जो होती है वो यूक्रेन में लागू करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो वहाँ के जो प्रोफेसर के लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर लाया गया हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोलेबरेट करके, और यहाँ से यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको हाईटेक तरीके से ऑनलाइन में। बोला गया है कि क्लिनिकल फीचर्स भी उसमें भी बताया जाएगा आपको कि कैसे, मतलब एक जनरली पहले क्या था कि क्लिनिकल फीचर्स के बारे में ज़्यादा टीचर से बोलते थे बस, लेकिन इस बार एकदम उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है क्या कि स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आपको खुली क्या कि कैसे क्या करना है नहीं क्लिनिकल केसेस में, और दिखा दिखा के हर एक स्टेप पे आपको बताया जाएगा, इस तरह की अपडेट आई है। और फिर उसके बाद बोला गया है क्या कि जैसे मेजोरिटी ऑफ वोटिंग होगी कि किसमें कितना, मतलब बोला जाता ना कि ज़्यादा वोट जिसमें रहेगी, अगर बच्चे ऑनलाइन के लिए प्रीफर करेंगे तो ऑनलाइन, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन, और जैसे अगर कोई बच्चे ये मेजोरिटी ऑफ ऑफलाइन रहेंगे तो सितंबर फर्स्ट से बोला जा रहा था, फर्स्ट मेल में एक पहला मेल आया था, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दूसरा मेल आता है, दूसरा मेल में बोला जाता है क्या कि 15 अगस्त से ऑफलाइन मोड स्टार्ट होगी, और उसमें बोला भी गया है क्या कि डायरेक्टली आपको मतलब ऑफलाइन मोड में हर तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जैसे कि एक और बात मेल में लिखा गया था, बोला गया था क्या कि आप पहले अपने एम्बेसी से एक बार कांटेक्ट कर ले देश आने से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती कि यूनिवर्सिटी ऐसा लाइन क्यों लिखी, तो इसलिए कि लिखी क्योंकि यूनिवर्सिटी भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि बाई चांस आगे कुछ होता है तो यूनिवर्सिटी पर ही सारा टिकरा फोड़ा जाएगा, तो ये बात पेरेंट्स सारा टिकरा यूनिवर्सिटी पे ही फोड़ेंगे, तो यूनिवर्सिटी भी बचना चाहती है ये रिस्क से, तो इसी वजह से उन्होंने एम्बेसी को बोला कि एक बार अपने एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो अभी मेरा जिस तरह लगातार यहाँ पे चल रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह इंडिया में, तो क्या है मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए या यूनिवर्सिटी पे विश्वास रखिए कि ऑनलाइन मोड करेगी और उसके बाद सिचुएशन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी वापस जाना रहेगा, और नहीं तो एनएमसी अभी बोर्ड जैसे कि आगे कि 5 तारीख को भी प्रोटेस्ट हुआ, मेरा पिछला वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो का लिंक दिया हुआ है, चैनल पर डाला हुआ है वीडियोज़ वो जाके देख सकते हैं क्या कि एनएमसी ने क्या बोला है। एनएमसी ने जनरली अब 5 जुलाई वाला जो प्रोटेस्ट ज़्यादा असरदार हुआ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें बोला गया क्या कि एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था क्या कि उन्होंने एनएमसी से बात की थी, तो अंदर जब उन्हें जाने मिला था तो एक दो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने उसमें से एक स्टूडेंट ने बताया गया कि पहला बात तो ये एनएमसी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही, और दूसरी बात क्या कि वो बोल रही है जो भी बात हमें शेयर करना होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी रूल, नया रूल रेगुलेशन या एनएमसी गैजेट वगैरह कुछ भी, कोई भी गैजेट या कोई भी रूल आएगी वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, वो पहले सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को देंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में उसकी जो PIL दाखिल किया गया उसको जज को अगर वो संतोषजनक लगेगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी वो आदेश कि क्या ये चीज़ लागू होगी क्या नहीं। तो ये अभी से मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत, टाइम दिया गया है 10 दिन और बचा हुआ है टाइम में, तो 10 दिन के अंदर इसको अपना जमा करना है सारा चीज़ कि बच्चे के साथ क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद क्या फिर लास्ट पॉइंट है क्या कि यूनिवर्सिटी ने फीस जमा करने के लिए भी बोली, तो गए जिसके पास पैसा है वो जमा कर सकते हैं, तो आप जमा कर सकते हैं आपकी इच्छा है, और जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि वेट वैसे भी करना है,
तो इसी वजह से, और यूनिवर्सिटी को थैंक्स बोलिए कि यूनिवर्सिटी पीछे नहीं हट रही है जैसे इतने टफ सिचुएशन में, तो स्लावा यूक्रेन, और कि मतलब हम लोग को पीछे नहीं हट रही है अपने मतलब पढ़ाने के तौर पे, क्या कि होती कि यूनिवर्सिटी पीछे हट जाती है, हम लोग को बोल देती कि अपना देखो, लेकिन एज ए फॉरेनर स्टूडेंट होने के वो नाते से हम लोग को बॉयकट नहीं किया जा रहा, हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, लगातार मेल और लगातार मेल कर करके बच्चे से पूछा जा रहा है। और उसके बाद अभी लगातार 2 मेल आई, उसमें पूछा गया कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड चाहिए या ऑफलाइन मोड चाहिए, अपने वाइस डीन को इन्फॉर्म करिए, और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपने वाइस डीन को डॉक्टर मिस्टर एंटन को आप मेल कर सकते हैं, और मेल करके आप उनसे सारा चीज़ साझा कर सकते हैं वाइस डीन से। तो इसीलिए कि अब मुझे नहीं लगता है कि और कोई, आप लोग को अगर कोई और क्वेश्चंस रह गया हो या कुछ मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर कर दूंगा। और जो मेल आया है एक बार थोड़ा सा मैं तो सारा स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अपना टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, और मैं कुछ और अपडेट्स देख लेता हूँ कि क्या क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। एक तो सबसे पहला जो आया था ओवरऑल सिचुएशन जो नॉर्मल है, पहला में जब आया था कि 1 तारीख 2022 को ऑफलाइन मोड स्टार्ट कर दिया जाएगा पहला में, और द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल कंटिन्यू टू सेफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट प्रोवाइड हाई क्वालिफिकेशन एजुकेशन वगैरह, इसमें यही सारा बताया गया। फिर तो दूसरा जो मेल आया था उसमें बोला गया था कि 15 अगस्त 2022 से हम अपना चालू करेंगे स्टडी का, और उसमें क्या है कि 3 ऑप्शन दिया है, टू स्टार्ट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फुल टाइम ऑफलाइन फॉर्म ऑफ एडुकेशन, और उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है टू कंटिन्यू स्टडी ऑफलाइन, और तीसरा में दिया हुआ है क्या कि टू कंटिन्यू द स्टडी एट अ फॉरेन यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1 सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर मोबिलिटी प्रोग्राम। तो ये 3 ऑप्शन है, और उसमें ये सारा भी बताया गया है कि जो मैंने बताया था कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह थोड़ा हाईटेक तरीके से रहेगा, क्योंकि देखिए कोलैबोरेट किया है पार्टनर यूनिवर्सिटी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, प्रोवाइड ऑनलाइन क्लिनिकल केसेस फॉर TNMU स्टूडेंट्स फॉर देयर रिमोट स्टडी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनकोलॉजी एज वेल एज अदर डिसिप्लिन, अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है। जैसे देखिए ये बड़ी अपडेट है क्या कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी मतलब पढ़ाया जाएगा हम लोग को, मतलब वहाँ से जो भी केसेस आती है ना वहाँ के केसेस यहाँ बताया जाएगा ऑनलाइन मोड में हम लोग को। और देखिए बाकी कंट्रीज भी इसको सब ये सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को, तो इसी वजह से। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है ऑस्मोसिस एल्सवायर हेल्थ प्रोवाइड स्टूडेंट्स वीडियो कंटेंट, 2000 वीडियोज़ है विच कवर्स द पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिस और एप्रोप्रिएट क्वेश्चन स्टडी कार्ड्स एंड नोट्स वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा। तो इसमें ये था, और क्या कि यही बता रहा है कि ऑफलाइन मोड वगैरह दिया जाएगा, और इसमें ये भी जिक्र किया जा रहा है क्या कि अगर आप 1 सेमेस्टर अपने देश में ही पढ़ना चाहते तो वो उसके लिए भी ऑप्शन दे रही है क्या कि आप अपने देश में भी 1 सेमेस्टर पढ़ लो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर से क्या होगा, से जो जो 4th ईयर में गए हैं तो उसका 2nd सेमेस्टर से वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, आपको 1 सेमेस्टर के लिए छोड़ दिया जाता है क्या कि आप अपने 1 सेमेस्टर अपना देश में भी क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो ऑनलाइन मोड है ही या ऑफलाइन मोड ले सकते हो। और उसके बाद है क्या कि और तो कोई अपडेट रहा नहीं, जो भी अपडेट था गाइस मैं बता चुका हूँ, आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आप मेरे को डायरेक्टली या मेरे जीमेल पे मेल कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज रिलेटेड। तो आप अगर हम मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से जो भी वॉर सिनेरियो चल रहा है, तो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स और जो चाइना रिटर्न स्टूडेंट्स हैं वगैरह जो भी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल रिलेटेड, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो, क्योंकि आपको मैं इस तरह का जो भी अपडेट्स रहेगी मैं पहले अपने चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ, लगभग जो भी वीडियोज़ होती मैं बना ही देता हूँ और सबसे पहले मेरे चैनल पर ही आता है लगभग टाइम, आप कभी काल लेट हो जाता है क्योंकि गाँव में आए हुए तो नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है, गाँव में ही रहना हो रहा है जब से यूक्रेन से आए, तो थोड़ा सा इसी वजह से लेट हो सकती है, नहीं तो सारा अपडेट मैं दे ही देता हूँ वीडियो में। और ये वाला अपडेट इसलिए कि मैं लास्ट में थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या हुआ था, मैं सोचा कि 3-4 मेल आ जाने तो उसके बाद क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, अभी पहले ही मैं कुछ बना देता अपडेट और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती क्या क्योंकि कुछ फिर नया अपडेट आ जाता, तो इसीलिए कि मैं 3-4 मेल का एक साथ वीडियो बना दिया हूँ, और अगर आप आगे कुछ और आती है तो मैं आपको बता दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो जो भी पूछना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाके ब्लॉग भी देख लो मेरा बिहार वगैरह का जो छोटा मोटा ब्लॉग बनाते रहते हैं चूतिया टाइप का, तो वो भी डाल जाके देख सकते हैं। चलो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।